हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे हम आपके लिए लेके आ गए हैं बेस्ट फाउंटेन पेन अंडर 60 रुपीज़। तो अच्छी बात यह है कि सारे के सारे फाउंटेन पेन बहुत ही सस्ते हैं, अंडर 60 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स के फाउंटेन पेन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हम इनको आज ट्रस्ट करने वाले हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, इनकी स्मूथनेस के लिए एंड काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स पे। देन हम हमारे फाइनल वर्डिक्ट में आपको एंड में बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सा पेन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप गाइस ऐसी वीडियोस और साथ साथ में हम आपके लिए लाने वाले हैं बेस्ट फाउंटेन पेन अंडर 100 रुपीज़ एंड बेस्ट फाउंटेन पेन अंडर 150 रुपीज़, अंडर 200, अंडर 500, अंडर 1000 रुपीज़ सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बस एक काम करना है, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाना है एंड इसको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके गाइस, ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करें। गाइस, ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए स्टूडेंट यार्ड पे लाते रहते हैं एंड आई एम श्योर आप कंटेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि हमारे पास कौन कौन से पेन्स हैं, देन करेंगे उनकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास है फ्रॉम फ्लेयर का इंकी कार्बोनिक्स, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है। देन वी हैव गाइस फ्लेयर का इंकी स्माइलो, देन वी हैव फ्लेयर इंकी फ्लैग्स, ठीक है, इसके बाद है इंकी क्लासिक। इंकी क्लासिक की एक खास बात यह है कि इसमें कॉटरेज नहीं आते हैं, इसमें यहाँ पे हमें एक इंक बॉटल देखने को मिलती है जिससे आप इसको रीफिल कर सकते हैं। देन गाइज, हमारे पास है यहाँ पे क्लासमेट के दो पेन्स, ऑक्टेन एंड स्मूदी, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हमने आपके लिए बना दिया था जिसको आपने बहुत पसंद किया है, ठीक है, तो आप चाहें तो उनके सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। देन वी हैव गाइज रोरिटो का फ्लाइमो, इसके बाद हमारे पास है लग्जर के तरफ से एक FFP फ्लूइड फाउंटेन पेन, ओके ग्रेट, उसके बाद है सेलो की तरफ से एक्सीड टोटल, इसका प्राइस 60 रुपीज़ है ना। उसके बाद हमारे पास एक्सीड स्मार्ट राइट, ये भी अगेन सेलो की तरफ से आता है, इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलता है दैट इज 50 रुपीज़। देन वी हैव फाउंटेन पेन फ्रॉम सेलो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन वी हैव अगेन लग्जर FFP, ये थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद है कैमलिन की तरफ से आने वाला, वी हैव अ कार्ट्रिज फाउंटेन पेन फ्रॉम कैमलिन। देन लास्ट में वी हैव गाइज अगेन रेनॉल्ड्स का फ्लूडो, ठीक है, इसका प्राइस भी इज अराउंड 60 रुपीज़। तो सबका प्राइस जो है वो आपको 50-60 अप्रॉक्स मिल जाएगा। तो अब हम करने वाले गाइज इन सभी पेन की अनबॉक्सिंग। एंड अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका इंटरेस्ट फाउंटेन पेन में ज़्यादा है, आप सोचते हैं यार फाउंटेन पेन इससे भी अच्छा लेना है एंड फाउंटेन पेन के बारे में डिटेल जानने में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली गाइज आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं जो हमने फाउंटेन पेन के बेसिक्स के बारे में बताया था। इससे हुआ क्या, आप फाउंटेन पेन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे एंड सही फाउंटेन पेन को सिलेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ। फाउंटेन पेन में क्या होता है गाइज, जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल पेन होता है जैसे उसमें रिफिल्स आते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं गाइज कॉर्ट्रिजेस। को क्या करना पड़ता है, आपको बस फाउंटेन पेन में कनेक्ट करना है एंड यू आर रेडी टू गो। इसके अलावा जो अलग सिस्टम आते हैं हमारे पास, वो आते हैं गाइज कन्वर्टर्स। कन्वर्टर्स क्या होते हैं, जैसे जनरली इस प्राइस रेंज में तो कन्वर्टर्स नहीं आते, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, कन्वर्टर्स कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंक को फिल कर सकते हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बस इसमें इंक फिल करना है एंड इसमें आपको कनेक्ट करना है। कॉर्ट्रिजेस को आप रिफिल नहीं कर सकते हैं, कन्वर्टर्स में आप बार बार इंक रिफिल कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक हमारे पास पेन है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेयरिंग की, तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का कन्वर्टर दिया गया है जिसमें आप यहाँ पे इंक डाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया एक बेसिक लग गया होगा। अब कर लेते हैं इन पेन्स को अनबॉक्स। तो बेसिकली गाइज हमने इन सभी पेन्स को अनबॉक्स कर लिया, आप यहाँ देख सकते हैं ये पेन्स हैं, इनकी कॉर्ट्रिजेस साइड में रखी हुई हैं। अब अगला स्टेप आता है गाइज इनकी कॉर्ट्रिजेस को इनके अंदर कनेक्ट करना। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस कोई भी पेन है उसको ऐसा पिक करना है जैसे यहाँ पे, तो इसको ओपन करना होता है फिर यहाँ से। देन आपको उसकी कॉर्ट्रिज को लेना है गाइज, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक जगह दिखेगी, आप कॉर्ट्रिज को ऐसे लगाइए, ठीक है, एंड इसको आपको तब तक प्रेस करना होता है जब तक आपको एक क्लिक साउंड नहीं आता। तो मैं इसको लेता हूं एंड प्रेस करता हूं, यहां पे आपको इसको थोड़ा सा हार्ड दबाना होगा, ओके, यहां पे एक क्लिक साउंड आया एंड ये कनेक्ट हो गई, ठीक है, कोई भी लूज नहीं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ऐसा लगता है टूट ना जाए, बट डोंट वरी, ऐसा नहीं होता, एंड ये कनेक्ट हो गई है। तो ऐसे ही गाइज मैं सारी इनकी कॉटेज कनेक्ट कर लेता हूं जल्दी जल्दी से, देन हम देखते हैं गाइज एक एक पेन का रिव्यू करके कि बिल्ड क्वालिटी एंड स्मूथनेस में कौन सा बेटर है। ओके गाइस, तो हमने सभी पेन्स में कॉर्ट्रिजेस इंस्टॉल कर ली हैं एंड जहाँ इंक फिल करनी थी वहाँ इंक भी फिल कर दी है, ठीक है, एंड अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये पेन स्मूथ है कि नहीं, ये लोग चलते कैसे हैं। तो एक एक करके गाइस हम सारे के सारे पेन टेस्ट करने वाले हैं एंड इस टेस्टिंग के लिए गाइस हम एक नोटबुक लेके आए हैं स्पेशल, विच इज़ फ्रॉम पेपर क्राफ्ट ग्रीन इंप्रेशन सीरीज करके गाइस, उनकी एक नोटबुक है,
यहाँ पे इसका जो पेपर है इट इज़ 70 GSM पेपर, तो जो नॉर्मल पेपर आता है लगभग लगभग उससे हल्का सा ही थोड़ा मोटा है। तो इसका गाइस आज हम यूज़ करने वाले हैं फॉर चेकिंग ऑल आर फाउंटेन पेन्स, है ना, इनकी क्वालिटी इस नोटबुक पे हम चेक करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक एक पेन से। तो सबसे पहले जो पेन हमारे पास आ रहा है गाइस दैट इज़ क्लासमेट स्मूदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासमेट का स्मूदी, काफ़ी अच्छा मुझे पेन लगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील करता है। एंड ये कुछ इस टाइप से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप इसकी क्वालिटी मिलती है हमको यहाँ पे, ठीक है। एंड इसे लिख के देखते हैं गाइस कुछ। हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब। तो गाइस चलने में ये पेन काफ़ी मुझे स्मूथ लगा, बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये स्मूदी हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, दिस इज क्लासमेट स्मूदी। इसका स्मस टेस्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ गाइस कुछ यहाँ पे लिख के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट, एंड गाइस देख सकते हैं ये हल्का सा स्मच हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसे लिख के देखा गाइस, तो मुझे काफ़ी अच्छा ये पेन लगा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है यार, पकड़ने में भी इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। एंड इस पर एक डेडिकेटेड रिव्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल रिव्यू। बाकी मुझे पेन चलने में काफ़ी स्मूथ लगा गाइस। आगे बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट पेन की ओर। तो अगला पेन जो हमारे पास आ रहा है गाइस इट इज़ फ्रॉम लग्ज़र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास पेन आ गया है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। दिस इज़ लग्ज़र FFP फ्लूइड फाउंटेन पेन। तो अगेन क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, इसका क्लिप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल पूरा प्लास्टिक का पेन, यहाँ पे कुछ ग्रिप आपको सेक्शन ऐसा ग्रिप दिया गया है, बेसिकली कुछ इंडेंटेशन है। इसको खोलते हैं तो अगेन इसका जो बिल्ड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पकड़ने में जो इन हैंड फील है, इसका जो बॉडी है वो एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें कर्व्स हैं, तो पकड़ने में वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसे हम लिख के देखते हैं, इसका जो निब है आप वो देख सकते हैं, इसका निब कुछ ऐसा दिखता है, इसका आप निब सेक्शन देख सकते हैं। एंड ये नीचे इसकी फीड है गाइस, तो इससे कुछ लिख के देख लेते हैं अगेन हम। तो यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ, हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह, ओके। तो ये वाला जो पेन है ना, ये थोड़ा सा इसका जो इंक का टेक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क है, और स्मूदी से अगर हम कंपेयर करें तो हल्का सा ये उससे इसका स्ट्रोक थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पतला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज लग्ज़र FFP, लग्ज़र FFP। इसका स्मच टेस्ट करके देख लेते हैं, ओके। तो स्मच हुआ, वैसे गाइस फाउंटेन पेन जनरली स्मच होते ही हैं क्योंकि लिक्विड इंक्स यूज़ होते हैं उसमें, तो वो चीज़ तो आपको यहाँ पे हर पेन में ही देखने को मिल जाएगी गाइस। तो FFP के बारे में मैं आपको बताता हूँ गाइस, अच्छा पेन है ये, इसका जो इन हैंड फील है पकड़ने में वो बहुत अच्छा आता है, बट आई थिंक इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी मार्केट में, मुझे भी मुश्किल से मिला था। बट अगर आपको ये पेन मिलता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पेन मुझको लगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेन की ओर। नेक्स्ट पेन जो आ रहा है गाइस इट इज़ क्लासमेट का ऑक्टेन फाउंटेन पेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ क्लासमेट का ऑक्टेन फाउंटेन पेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस, ग्रीन कलर में है। तो ये जो ऑक्टेन फाउंटेन है, ये नॉर्मल जो फाउंटेन आता है एग्जैक्टली सेम वैसा ही है ना, जो बॉल और जेल वाले फाउंटेन आते हैं, बॉडी सेम है इसकी, पर आप जैसे इसको खोलते हैं तब आपको अंदर एक अलग चीज़ देखने को मिलती है, विच इज़ द निब। तो यहाँ पे अब आपको फीड के साथ फाउंटेन पेन की निब देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको कॉटेजेस मिलती हैं, ये आपको ऑलरेडी आइडिया है, मैं दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर भी एक डेडिकेटेड रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे भी गाइस कुछ लिख के देख लेते हैं कि ये कैसा चलता है, कैसा परफॉर्म करता है। तो अगेन इसे कुछ लिखता हूँ मैं गाइस, हेलो, ओके। तो जैसे ही मैं इसे लिख रहा हूँ तो इनिशियल इम्प्रेशन ये है गाइस, ये पेन काफ़ी डार्क है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे वेट पेन अभी तक मुझको ये लगा। वेट पेन इन द सेंस मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंक छोड़ता है, इन द सेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक, इसका स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा वेट है, काफ़ी ज़्यादा इंक निकल के आ रही है उसमें से, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है एंड एक अच्छी बात नहीं भी है। अच्छी बात ऐसे कि अगर आप कोई थिक नोटबुक यूज़ करते हैं देन डेफिनेटली आपको उसे लिखने में बहुत स्मूथ फील आएगा, हर पेन जनरली स्मूथ है, बट ये इन कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा इंक यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। और यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, क्लासमेट फाउंटेन,
ऑक्टेन फाउंटेन है बेसिकली। तो गाइस चलने में तो स्मूथ लगा, डेफिनेटली ये काफ़ी वेट है तो आप देख सकते हैं कि स्मज भी ये काफ़ी होता है ना। तो ये पेन किसको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, तो ये वाला जो ऑक्टेन है ये डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसा फाउंटेन चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इजीली चले एंड बहुत ज़्यादा आपको वेट राइटिंग पसंद है, जैसा जनरली फाउंटेन पेन जो ब्रॉड डिप्स के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक उसमें छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली गाइस अगर आप वैसा कुछ फीडबैक चाहते हैं निब से कि काफ़ी सारी इंक आपको लिखने के लिए मिले एंड बहुत स्मूथ चले, देन डेफिनेटली गाइस ये ऑक्टेन मुझे ठीक लगा। जनरल अगर नोटबुक की बात करें तो मुझे यहाँ पे ऑक्टेन फाउंटेन से ज़्यादा स्मूदी पसंद आया है ना। हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा गाइस उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे है ना इंडिविजुअल पेन्स को टेस्ट करने के बाद कि ओवरऑल हमें कौन सा पेन प्रेफर करना चाहिए। अभी आते हैं नेक्स्ट पेन की ओर गाइस। तो अब जो पेन हमारे पास आ गया है गाइस वो है हमारे पास फ्रॉम फ्लेयर, तो विच इज़ गाइस फ्लेयर इंकी क्लासिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंकी क्लासिक की एक बहुत खास बात है जो कि मैक्सिमम के सारे पेन्स में यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको सिस्टम मिलता है, यहाँ पे आपको कॉर्ट्रेज सिस्टम नहीं मिलता है, यहाँ पे आप बेसिकली इंक रीफिल कर सकते हैं। इसके साथ एक इंक बॉटल आती है ना, इंक बॉटल से बेसिकली आप इसके अंदर इंक डाल सकते हैं। ये मैं इंक बॉटल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ इसके साथ कुछ ऐसी इंक बॉटल आपको देखने को मिलती है, 15 ml की इंक बॉटल है एंड 20 रुपीज़ की ये बॉटल आती है। तो बेसिकली इससे आप इसको रीफिल कर सकते हैं, कॉर्ट्रिज सिस्टम इसमें नहीं है। और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझको लगा, जो कॉर्ट्रिजेस आती हैं वो भी सस्ती ही आती हैं, बट यहाँ पे फिर भी एक डेडिकेटेड इंक फिलिंग सिस्टम होना बहुत मुझे अच्छी बात लगी, काफ़ी यूनिक है बिकॉज 60 रुपीज़ के अंदर में सिर्फ यही एक पेन है जो ये ऑफर कर रहा है। तो इससे हम कुछ लिख के देख लेते हैं। इसका जो निब है वो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, ये इसका फीड सेक्शन है, ये इंक निकली नहीं है, आप फीड में इतनी इंक तो गाइस आती ही है आप कोई भी पेन में। और यहाँ पे इसका निब देख सकते हैं, ऐसे राउंडेड निब है। ओके, तो जनरली गाइस स्टेनलेस स्टील निब आते हैं विथ इरिडियम टिप है ना। तो इससे मैं कुछ लिखता हूँ अब यहाँ पे, ओके गाइस। तो इससे लिखने में एक चीज एविडेंट है, ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा फाइन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारीक स्ट्रोक है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मतलब 0.5 mm के पेन से आप जैसा लिखते हैं ना तो वैसा ही फील आ रहा है इससे लिखने में। ओके, तो गाइस काफ़ी डार्क इंक है, एक अच्छी बात ये इसके साथ जो इंक आई है काफ़ी डार्क है, काफ़ी अच्छे इंप्रेशन क्रिएट कर रही है। तो दिस इज़ फ्लेयर इंकी, फ्लेयर की इंकी जो है बेसिकली बहुत सारे पेन्स आते हैं, दिस इज़ इंकी क्लासिक, तो ये ध्यान रखिएगा। इंकी अभी आपको 3-4 पेन तो मैं ही दिखा दूंगा, दिस इज़ इंकी क्लासिक। ओके, तो इसका भी हम स्मज टेस्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली गाइस क्योंकि इंक है तो स्मज तो होगा ही है ना। ओके, लिक्विड इंक से। ओके, तो ये वाला जो पेन है गाइस मुझे प्रिफर इसलिए मैं इसको करूँगा क्योंकि इसमें डेडिकेटेड रीफिलिंग सिस्टम है। आप इसमें इंक बॉटल से आप या तो ये यूज़ कर लीजिए जो इसके साथ फ्री, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो आप ही सेम बॉटल ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस का भी इंक इसमें डाल सकते हैं गाइस। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी अबाउट द इंकी क्लासिक, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पेन का। ओके, तो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट पेन पे गाइस। तो अगर गाइस मैं यहाँ पे बात करूँ इंकी की, तो यहाँ पे मेरे पास 3 और फ्लेयर के इंकी मौजूद है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया फ्लेयर इंकी क्लासिक, तो साथ में गाइस यहाँ पे हमारे पास फ्लेयर इंकी फ्लैग्स, इंकी कार्बोनिक्स एंड इंकी स्मीलो, SMILO, स्माइलो है, स्मीलो है, जो भी है ये। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 4 पेन और मौजूद है। अब इनमें आपने एक तो देख ही लिया है ये वाला जिसमें आपको डेडिकेटेड सिस्टम मिलता है, बाकी 3 अगर मैं आपको साथ में दिखाता हूँ तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो निब्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा क्लासिक है एंड इनके जो 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली हमारा इंकी फ्लैग एंड इंकी कार्बोनिक्स, ये दोनों पेन मुझे लगभग लगभग आइडेंटिकल लगे, इनका बेसिकली स्ट्रक्चर फीड निब लगभग सिमिलर है। यहाँ पे जो हमको गाइस इंकी स्माइलो मिलता है या स्मीलो ये वाला पेन, इसका बेसिकली निब थोड़ा डिफरेंट है, बाकी क्लासिक में भी आपको निब सेम ही देखने को मिलता है। तो बेसिकली इन तीनों पेन्स में निब सिमिलर है ना। इन दोनों से भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जिससे इन तीनों में लिखने में कौन सा बेटर है वो हम प्रूफ कर लें कि यार यही लेना ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इन दोनों में आपको कॉर्ट्रिजेस मिलती हैं एंड इसमें आपको क्लासिक में रिफिलेबल सिस्टम मिलता है। तो हम पहले गाइस इन दोनों पेन्स को टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा चलते हैं है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गाइस हमारा इंकी कार्बोनिक्स, तो इनको मैं साइड में रखता हूँ। तो इंकी कार्बोनिक्स से हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसकी एक अच्छी बात मुझे क्या लगी इंकी कार्बोनिक्स की गाइस, कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मतलब इसका जो टेक्सचर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, एकदम ब्लैक है एंड इसके ऊपर हल्के हल्के एक्सेंट्स बने हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं चमक रहे होंगे।
तो बेसिकली ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये चमक है ना, तो इसकी बिल्ड मुझे अच्छी लगी देखने में, बिल्ड मैक्सिम बैंड की अच्छी है, बट ये थोड़ा सा यूनिक मुझे डिज़ाइन लगा, ब्लैक में, एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। तो उससे लिखते हैं गाइस, हेलो ओके। तो अगेन जैसा हमको ऊपर परफॉर्मेंस मिला था फ्रॉम क्लासिक वैसा ही है ना, उतना ही फाइन है पेन। हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब। एंड गाइज आपको एक चीज़ करनी है, नीचे दिए गए उस लाल बटन को दबा के ग्रे करके सब्सक्राइब कर देना है अगर आप ऐसे ही कंटेंट और देखना चाहते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है ऐसी क्वालिटी वीडियोस और लाने के लिए। तो गाइज यहाँ लिखता हूँ मैं आगे, फ्लेयर कार्बोनिक्स। तो ये थोड़ा सा गाइज कम स्मज हुआ है, डेफिनेटली जितना फाइन पॉइंट लेंगे उतना पेन कम स्मज होता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम स्मज हुआ है। बट अगेन फाउंटेन पेन्स में आपको पर्सनल चॉइस होता है, आप फाइन, ब्रॉड, मीडियम जैसा भी लिप लेना चाहे, बट इसमें आपको गाइज क्योंकि बजट पेन्स है तो इनमें ऐसा नहीं होता कि सेम पेन आपको फाइन, मीडियम, ब्रॉड में मिल जाता है। अगर जैसे आप थोड़े और कॉस्टली पेन्स के साथ जाते हैं ना, तो उनमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे ये हमने रिव्यू करा था पायलट मेट्रोपॉलिटन का, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारे निब ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये फाइन ऑप्शन है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें फाइन, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से लिख के बता रहा हूँ कि मुझे फाइन लग रहा है। तो गाइज ये अच्छा मुझे पेन लगा। अब अगला टेस्ट कर लेते हैं गाइज। तो अगला जो हमारे पास आ रहा है वो इसी का भाई है, विच इज़ इंकी फ्लैग्स। तो यहाँ पे इंकी फ्लैग्स से मैं लिख के देखता हूँ। तो बिल्ड तो मुझे गाइज बस इनकी पेंटिंग स्कीम मुझे डिफरेंट लगी है, बाकी बिल्ड मुझे एग्जैक्टली सेम लग रहा है, एंड गाइज लिखने में भी ये सेम ही है, लिखने में भी डेफिनेटली गाइज ये सेम है। दिस इज फ्लेयर फ्लैग्स, इंकी फ्लैग्स है ना, इंकी फ्लैग्स। तो चलने में स्मूथ है डेफिनेटली गाइज। अगर आप फाइन पेन अगर मैं बोलूँ तो पतला पॉइंट का अगर आपको पेन चाहिए थिन स्ट्रोक के साथ, तो डेफिनेटली अच्छे पेन से है। बट अगेन इन तीनों में अगर चॉइस मुझे दी जाती है कि इन तीनों में फ्लेयर कार्बोनिक्स, फ्लेयर इंकी एंड फ्लेयर इनकी क्लासिक में से, तो डेफिनेटली गाइज मैं क्लासिक के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें रिफिलेबल सिस्टम हमको मिल जाता है। एंड अगर आपको कॉटन सिस्टम पसंद है तो इन दोनों में से आप, अब आपका पर्सनल चॉइस है, आप दोनों का डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए है ना, जो भी आपका पर्सनल है। ये बेसिकली आपको काफ़ी सारे से यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिकली यहाँ पे हमको फ्लैग्स के साथ ये मिल जाता है, तो अगर आपको ऐसा फ्लैग कलेक्शन बनाना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। और अगर आपको जनरली फॉर्मल ब्लैक पसंद है जैसे मुझको यहाँ पे ये पसंद आया, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, बट मुझे ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा इनकी क्लासिक। अब बढ़ जाते हैं गाइज हमारे आगे वाले पेन्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है गाइज रोरिडो का फ्लाइमो, आप यहाँ देख सकते हैं। तो रोरिडो का जो ये फ्लाइमो है ये ना मुझे बहुत हद तक सिमिलर लगा स्मूदी के, है ना, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा पेन है, पकड़ने में अच्छा लगा स्मूदी। अगर मैं इसको आपको नेक टू नेक दिखाता हूँ तो देखिए, इसको मैं बंद करता हूँ और ये स्मूदी है एंड दिस इज फ्लाइमो। तो दोनों डेफिनेटली डिज़ाइन अलग है, बट फिर भी दोनों की थिकनेस है ना, जो डायमीटर है इनके बैरल के, मुझे फिर भी सिमिलर लगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेटली एक पेन नहीं मिलता, दूसरा अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर एरिया में, तो आप इनमें से किसी के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत हद तक दोनों पेन सिमिलर लगेंगे, पेंटिंग स्कीम जो पेंट स्कीम है वो डिफरेंट है डेफिनेटली, बट बाकी चीज़ें मुझे सिमिलर लगी। एक बार हमने स्मूदी से तो लिखा ही है, एक बार रोडेटो से और लिख के देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं से लिखता हूँ, हेलो ओके। तो जैसा मुझे लगा था ये भी चलने में गाइस जितना स्मूथ स्मूदी था उतना ही है, तो डेफिनेटली स्मूदी और ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर एक नहीं होता तो आप दूसरे के लिए जा सकते हैं, लगभग सिमिलर ही है दोनों। रोरिडो फ्लाइमो ओके, तो इसका भी स्मज टेस्ट कर देते हैं। एंड गाइज ये भी कम ही स्मज हुआ है, डेफिनेटली इतना ज़्यादा थिक पॉइंट नहीं है, एंड इंक भी इसका मुझे डार्क लगा, सफिशिएंटली डार्क है, तो मुझे ये पेन अच्छा लगा। मतलब बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट पेन की ओर। तो अब गाइज हमारे पास आ चुका है एक बहुत ही अच्छा पेन, विच इज़ सेलो फाउंटेन। काफ़ी नाम सुना होगा आपने इसका, तो यहाँ पे भी है द सेलो फाउंटेन। ये मेरे पास बाबी की फिनिश में, इस पर पेंट स्कीम बाबी का है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टेक्सचर्स आते हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बारबी का मिला था मुझे, तो यहाँ पे मैं इसे लिख के देख लेता हूँ। इसका कुछ लुक इस टाइप का है, निब आप देख सकते हैं, इसका सेक्शन फीट है ना, पूरा प्लास्टिक का है पेन, सारे ही पेन इस बजट में प्लास्टिक है। ये इसका कैप है,
एंड कैप के अंदर मुझे एक अच्छी चीज़ इसमें ये लगी, आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं लगाता हूँ तो बेसिकली ये फंक्शनल है। बेसिकली जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो ये स्प्रिंग दब के लॉक हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो एक मुझे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है, ठीक है। और आई थिंक ये एयर टाइट भी इसको बना देता होगा आई गेस सो, ठीक है। तो इसे लिख के और देख लेते हैं कि ये लिखने में कैसा चलता है सेलो फाउंटेन हमारा। तो हेलो एवरीवन, ओके गाइस, काफ़ी स्मूथ, मतलब अभी तक का सबसे स्मूथ पेन मैं बोलूँगा मुझे ये लगा है, है ना। अगर आपको थिक पेन पसंद है एंड एकदम मक्खन पेन चाहिए तो डेफिनेटली यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब, दिस इज सेलो फाउंटेन। ओके, तो गाइस अभी तक का सबसे बेस्ट, सबसे स्मूदेस्ट पेन जो मुझको लगा है दिस इज द सेलो फाउंटेन। इससे स्मश टेस्ट में करके देख लेता हूँ क्योंकि अभी ये इसका मीडियम ने मुझे लग रहा है एंड अरे गाइस स्मज नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ, मतलब दिस इज़ अमेजिंग गाइस, ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ, इसका जो कॉटरेज है बेसिकली जो सेलो की तरफ से आता है, इट इज़ अमेजिंग गाइस, बिल्कुल भी मुझे स्मज देखने को नहीं मिला। तो डेफिनेटली मुझे ये पेन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है गाइस, सेलो फाउंटेन ग्रेट पेन गाइस, ठीक है। वर्डिक्ट में बताएंगे इसको लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट पेन जो हमारे पास आ रहे हैं वो दो पेन से कमिंग फ्रॉम सेलो। तो गाइस वी हैव द सेलो एक्सीड्स, तो यहाँ पे सेलो एक्सीड टोटल है एंड सेलो एक्सीड स्मार्ट राइट है, तो दोनों एक्सीड है। इनका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। एक्सीड टोटल का प्राइस 60 रुपीज़ है एंड एक्सीड का प्राइस 50 रुपीज़ है। इन दोनों से हम लिख के देखेंगे गाइस। तो पहले मैं इनका फिजिकल ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो दोनों पेन कुछ ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंतर इन दोनों में ये है कि यहाँ पे आपको जो ग्रिप सेक्शन है इसका वो प्लास्टिक का मिलता है एंड एक्सीड टोटल में यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा रबराइज फिनिश मिलता है। मतलब इसको पकड़ने में ना बिल्कुल एकदम जैसा आप इसको फील करना है तो आप अपना इरेजर लीजिए, इरेजर के ऊपर आप अपना फिंगर को रब करेंगे तो कैसा ग्रिपी फील आता है, सेम गाइज यहाँ पे वैसा ही बिल्कुल फील आ रहा है, एकदम रबराइज फिनिश है, ठीक है। तो अब ये पर्सनल चॉइस हो सकता है, कई लोगों को ये इतना ग्रिप पसंद आता है, कईयों को नहीं आता, तो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको आता है कि नहीं। बाकी ग्रिप इसमें दिया हुआ है, इससे हम लिख के देखते हैं कि ये कैसा चलता है। ओके, तो गाइस डार्क है पेन, पेन मुझे डार्क लगा, स्मूथ चल रहा है पेन, काफ़ी स्मूथ है ना। एंड इसकी निब मुझे लगी फाइन निब है इसकी गाइस, ज़्यादा मोटी नहीं है। ओके, दिस इज सेलो एक्सी टोटल। ओके, इसका स्मज टेस्ट भी कर देते हैं गाइस जल्दी से। तो डेफिनेटली गाइस ये भी बहुत मिनिमम, बहुत ही कम स्मज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसके भाई को भी टेस्ट कर लेते हैं जो कि 10 रुपये कम में आता है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास एक्सीट स्मार्ट राइट, ठीक है, इससे भी लिख के देख लेते हैं कैसा चलता है। तो ओके, हेलो, ओके गाइस सेम ही चल रहा है लगभग, है ना। ये भी बहुत, ये उससे ज़्यादा मुझे फाइन लगा है ना, मुझे बेसिकली एक्सीट टोटल से ज़्यादा फाइन मुझे ये वाला पेन लग रहा है, अच्छी बात है। दिस इज सेलो एक्सीड, ओके एक्सीड में ई एक्स डबल ई डी एक्सीड है ये, ओके एक्सीड स्मार्ट वाइट, स्मार्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ। ओके, इसका स्मज टेस्ट कर देते हैं। अब काफ़ी फाइन है तो डेफिनेटली कम स्मज होगा, नहीं पर ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मज हुआ है, ठीक है, ड्राई टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे हल्का सा डार्क भी है। तो बेसिकली सेलो एक्सीड है जो पेन है वो एक्सीड टोटल से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है ना लिखने में, थोड़ा सा ज़्यादा फाइन है, थोड़ा ज़्यादा पतला लिखता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसा इसका स्ट्रोक लगा। ओके, आते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट पेन के ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ 3 पेन बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट पेन जो हमारे पास आ रहा है गाइस, इट इज़ रेनॉल्ड्स फ्लूडो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पेन है, यहाँ पे ब्रांडिंग है रेनॉल्ड्स की और रेड फिनिश में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मेटेलिक क्लिप देखने को मिल जाता है एंड इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इसका फीड है, है ना। यहाँ पे आपको इसकी कॉर्ट्रिज मिलेगी अंदर, ये आपको रेनॉल्ड्स की कॉर्ट्रिज देखने को मिलती है, लॉन्ग कॉर्ट्रिज है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो इससे गाइस लिख के देख लेते हैं कि ये कैसा चलता है। इसका निब थोड़ा सा यूनिक है, राउंडेड निब है ऐसा, है ना, इरिडियम टिप आता है इसमें भी, तो इसे लिख के देखते हैं गाइस। ओके, हेलो एवरीवन, ओके, तो काफ़ी स्मूथ पेन मुझे लगा गाइस, स्मूथ है ना, एकदम फाइन से थोड़ा ऊपर ही है, ज़्यादा फाइन भी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन नहीं है, हल्का फाइन और मीडियम के बीच में मुझे पेन लगा। तो दिस इज गाइस कौन सा पेन है, दिस इज रेनॉल्ड्स फ्लूडो FLUDO+। ओके, दिस इज रेनॉल्ड्स फ्लूडो,
प्लस, तो इसका स्मज टेस्ट कर देते हैं जल्दी से। ओके गाइस, तो हल्का सा ये स्मज हुआ है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस ये अच्छा पेन है ना, स्मूथ पेन मुझे लगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड मुझे अच्छी लगी काफ़ी, देखने में अच्छा लगता है ये। तो बढ़ जाते हैं गाइस हमारे पास जो हमारा लास्ट पेन आ रहा है उसकी तरफ। तो हमारे पास जो लास्ट पेन आ रहा है द कैमलिन कॉटरेज पेन गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लास्ट पेन यहाँ पे आ चुका है। जल्दी से इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, तो उसका निप कुछ ऐसा दिखता है। इसकी बिल्ड अच्छी है, ठीक है, बट आई थिंक ये आपको अवेलेबिलिटी इसकी क्वेश्चनेबल है, अवेलेबल थोड़ा कम रहता है ये पेन। इसे लिख के देख लेते हैं हम लोग। तो हेलो एवरीवन, ओके, चलने में काफ़ी स्मूथ है गाइस, चलने में काफ़ी मुझे स्मूथ लगा, कोई इशू नहीं है। दिस इज कैमलिन, कैमलिन इस पे नाम क्या है गाइस इसका, कैमलिन कार्ट्रिज फाउंटेन पेन, तो हम इसको कैमलिन फाउंटेन नाम दे देते हैं। ओके, एंड इसका स्मज टेस्ट भी कर देते हैं। ओके, तो स्मज ये गाइस काफ़ी कम हुआ है। तो गाइस हमने सारे पेन से लिख के देख लिया है, एंड एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये पेन कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारे पेन्स अवेलेबल हैं, सबका स्मज टेस्ट अवेलेबल है, आप डिटेल में देख सकते हैं एक बार कि इंक का टेक्सचर कैसा है, क्लैरिटी कैसी, स्ट्रोक कैसा है। सभी पेन्स गाइस बहुत ही स्मूथ है, इनमें से एक डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट हम आपको वर्डिक्ट सेक्शन में हमारे बताने वाले हैं कि। एंड अगर गाइस मैं पेज को टर्न भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइप का सी थ्रू या फिर इंक ब्लीड हमको देखने को नहीं मिला है। सी थ्रू का इंक ब्लीड का मतलब होता है जो इंक निकल के आ जाती है पेपर में से, एंड सी थ्रू का मतलब होता है जो बेसिकली पेपर के पीछे इंप्रेशन हो जाता है, मतलब आगे आप लिखते हैं पीछे से दिखता है, तो वैसा किसी भी पेन के साथ केस गाइस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझको यहाँ पे लगी कि इन सभी पेन्स के साथ ये दोनों केसेस नहीं है। तो इन सभी पेन्स में से एक पेन चुनना बहुत डिफिकल्ट है, बट हमारे वर्डिक्ट सेक्शन में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा पेन लेना चाहिए गाइस। तो गाइस अब आ चुके हैं हम हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में, विच इज़ द वर्डिक्ट सेक्शन, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि इन पेन्स में से एक्चुअली आपको कौन सा लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, हमें कुछ क्वालिटी है तो कहीं हम लैक भी करते हैं, तो सेम गोज़ ऑन विद दीज पेन्स गाइस। हर पेन हर चीज़ में अच्छा नहीं है, है ना, कुछ क्वालिटी किसी में है, कुछ क्वालिटी किसी डिफरेंट पेन में। तो मैं आपको यहाँ पे एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा पेन किस चीज़ में अच्छा है, देन यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन कि आप अपने परफेक्ट पेन में क्या देखना चाहते हैं, एंड उसके बेस पे आप एक पेन सेलेक्ट कर पाएंगे गाइस। एंड एक चीज मैं आपको और बोल दूं, अगर आपको ये क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारा इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आ रहा हो, देन डेफिनेटली गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, इन वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट, एडिटिंग टाइम, रिकॉर्डिंग टाइम, हम यहाँ पे काफी सारे प्रोफेशनल कैमराज यूज करते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर एडिटिंग। एंड गाइस जो रिसर्च जाता है एक एक पेन को टेस्ट करने में गाइस, इट इज वेरी इंटेंस। अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं देन गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ऐसे काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ एंड हाई क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, जो कि आपकी स्टेशनरी बाइंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी एंड आपको सही पैसे इन्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो गाइस हमारे वर्डिक्ट पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गाइस सारे पेन आ गए हैं, एंड अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल बेस्ट पेन मुझे कौन सा लगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल जो मुझे बेस्ट यहाँ पे पेन लगा गाइस, वो था हमारा सेलो फाउंटेन। तो ये वाला जो पेन है गाइस, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे बेसिकली इस पे जो प्रिंट है वो बाबी का है, आप उस पे मत जाइए, है ना। तो यहाँ पे बाबी के अलावा भी आपको काफ़ी सारे पैटर्न में मिल जाएगा, बट ओवरऑल जो गाइस इसका लिखने का मुझे स्मूथनेस लगा है ना, एंड जो निब है, ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्ड क्वालिटी है, मुझे ये सब कुछ इस पेन में बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेन था, तो ओवरऑल मुझे ये पेन काफ़ी अच्छा लगा। ये आपको काफ़ी सारे शेड्स में मिल जाएगा, काफ़ी सारे प्रिंट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे उनको अलग अलग, जैसे अगर आपको ये पसंद है तो आप ये ले लीजिए, अगर आपको किसी दूसरे टेक्सचर में पसंद है तो यू कैन गो विद दैट। बाकी अगर मैं इसकी वर्केबिलिटी पर बात करूँ तो डेफिनेटली ये पेन बहुत अच्छा लगा। और गाइज मुझे और कौन से पेन अच्छे लगे, तो इसको हम रखते हैं साइड में। इसके बाद गाइज मुझे जो बेस्ट पेन्स लगे हैं वो है हमारे क्लासमेट का स्मूदी गाइज। अब डेफिनेटली आप पूछेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो यार दोनों ही मुझे अच्छे लगे हैं। स्मूदी भी काफ़ी बढ़िया पेन है, लिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, डार्क है, एंड इसकी अवेलेबिलिटी इन दोनों पेन्स में से आपको जो अवेलेबल मिले आप वो ले सकते हैं, है ना। बट मुझे पर्सनली ये सबसे ज़्यादा बिल्ट में, ओवरऑल मुझे ना जैसे 19-20 का ही अंतर, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 19-20 का ही अंतर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड उसके बाद मुझे जो पर्सनली लगा है विच इज़ द क्लासमेट स्मूदी। अगर आपको ये पेन स्टॉक में नहीं मिलता है तो एक सेम पेन हमारे पास और आता है गाइस, विच इज़
द रोरिटो फ्लाइमो, तो ये दोनों पेन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना। डेफिनेटली पेंट स्कीम अलग है दोनों की, अंदर से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गाइस ज़्यादा डिफरेंस दोनों पेन्स में है नहीं। तो आपको जो पेन मार्केट में अवेलेबल, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी क्लासमेट का स्मूदी, बट अगर आपको ये नहीं मिलता है एंड आपको सेम डायमेंशन के साथ पेन चाहिए तो यहाँ पे एक फ्लाइमो बेटर अल्टरनेट ऑप्शन बन जाता है गाइस। दोनों की लिखने की जो स्मूथनेस है वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर लगी, जो इंक टेक्सचर है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इन दोनों पेन्स को गाइस मैं साथ में यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हमारे दो पेन आ चुके हैं एंड इसके बाद सबसे पहले आया था हमारा ये विच इज़ द क्लास विच इज़ द सेलो फाउंटेन। इसके बाद गाइस मुझे एक स्पेशल पेन को यहाँ पे मेंशन करना है। ये सारे जो पेन्स हैं ना ये सब मीडियम निब में है, मतलब ये इनका स्ट्रोक थोड़ा सा थिक है, बट अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो कि थिन स्ट्रोक दे, जो कि अगर आपको बहुत फाइन पेन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ गाइस। फाइन पेन में हमारे पास ये जो हमारी सीरीज आई थी फ्रॉम फ्लेयर, तो फ्लेयर के मैं आपको जो इंकी दे फ्लेयर इंकी क्लासिक इंकी इंकी कार्बोनिक्स, इसके बाद हमारे पास गाइस कौन सा था इंकी फ्लैग, देन यहाँ पे एक और मुझे अच्छा पेन मिला था जो कि फाइन है विच इज़ द एक्सी टोटल। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास चार पेन है एंड एक और यहाँ पे पेन आ गया है रेनॉल्ड्स का फ्लूडो। तो ये सारे जो पेन्स है गाइस अगर आप देखेंगे मैं इनका अगर आपको निब दिखाऊँ तो आप लगभग लगभग आइडिया लग जाएगा, इन सबका निब सिमिलर ही दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इन सभी पेन्स की मैं आपको निब दिखा देता हूँ, तो लगभग सभी सिमिलर निब जैसे हैं, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे सेलो फाउंटेन के देखेंगे तो निब यहाँ पे अलग मिलता है, बट यहाँ पे सब राउंडेड निब आपको मिलते हैं। तो इनमें जो सबसे बेस्ट पेन मुझे लगा ना गाइस, तो देखिए इनमें दो चीज़ें हैं, कॉर्ट्रेज वाले एंड इंक वाला। तो मुझे अगर पर्सनली इनमें से चुनना होगा गाइस तो आई विल गो विथ फ्लेयर इंक की क्लासिक। द रीज़न इज चलने में सेम ही है, बट इसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जो मिलता है वो ये है कि आप इसको रीफिल कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक इंक बॉटल देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे इस टाइप का बेसिकली आपको एक कन्वर्टर, आप इसको बोल सकते हैं ना, इंक कन्वर्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप ये इंक आती है इसके साथ इसको फिल कर सकते हैं। ये ख़त्म हो जाए तो दूसरी ये ले लीजिए या किसी भी ब्रांड के आप इसमें इंक फिल कर सकते हैं। ये मुझे इसमें बहुत अच्छा फीचर एक लगा, है ना। तो अगर आपको, और ये वाला जो स्पेसिफिकली फीचर है ना ये किसी भी और पेन में नहीं है बेसिकली। यहाँ पे जो स्मूदी है या फिर सेलो फाउंटेन में भी कॉर्ट्रेजेस ही आते हैं। ये दिस इज़ द ओनली पेन अंडर 60 रुपीज़ जो मुझे मिला अभी तक जिसमें ये ऑप्शन था। तो डेफिनेटली गाइज अगर आपको एक फाइन पेन चाहिए एंड अगर आपको रिफिलेबल चाहिए तो डेफिनेटली आप सेलो ऑक्टेन स्मूदी के ऊपर भी इस पेन को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। एंड अगर आपको एक अगर आपको चाहिए फाइन पेन बट आपको कॉर्ट्रेज वाला पेन चाहिए तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। इनमें से अब मैं जो पर्सनली सिलेक्ट करूँगा, मुझे बेसिकली ये रेनॉल्ड्स का फ्लूडो प्लस भी अच्छा पेन है। ये थोड़ा सा फाइन नहीं है, फाइन और मीडियम के बीच की चीज़ है, तो फाइन मीडियम के बीच का चाहिए तो ये ऑप्शन है, है ना। बाकी अगर आपको ये दो पेन्स मुझे पर्सनली पसंद भी आए थे, फ्लेयर का कार्बोनिक्स एंड सेलो का एक्सी टोटल, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में दोनों फाइन पेन्स हैं, दोनों के अंदर कॉर्ट्रेजेस हैं, बट यहाँ पे आपको रबर ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है एंड यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का एक ग्रिप मिलता है, बट ये पकड़ने में थोड़ा सा थिन है। अगर आपको रबर ग्रिप चाहिए हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं, चलने में दोनों सिमिलर ही हैं। अगर आपको प्लास्टिक एंड फॉर्मल लुक चाहिए हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया एंड फाइन ये जो रेनॉल्ड्स का फ्लूडो है ये बेसिकली ना तो फाइन है ना मीडियम है, बीच की कोई चीज़ है, डार्क इंक है। तो डेफिनेटली गाइज अगर आपको ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी चाहिए हो एंड फ्लूडो अवेलेबल हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आपने तो सारे ही पेन्स बता दिए, लेकिन गाइज आपको मैंने बहुत डिटेल में स्पेसिफिकली बताया है कि दिस इज़ द ओवरऑल विनर द सेलो फाउंटेन। उसके बाद मुझे जो लगा है जो नेक टू नेक आ रहा है विच इज़ क्लासमेट स्मूदी एंड इसका अल्टरनेट मैंने आपको बताया अगर नहीं मिलता है तो रोरिटो फ्लाइमो, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। मैं बोल दूँ ये पेन है बट ना मिले तो फिर आप क्या लोगे, है ना। तो इसका अल्टरनेट मैंने आपको बताया, देन मैंने आपको बताया ये सारे मीडियम पेन्स है। अगर आपको फाइन चाहिए हो तो यू कैन गो विथ द इंकी सीरीज़। तो इंकी में भी जो रिफिलेबल बेस्ट पेन मुझे लगा दैट वॉज द इंकी क्लासिक, है ना। एंड अगर आपको क्वार्टर सिस्टम चाहिए तो मैंने आपको दो पेन बताया, एक में रबर ग्रिप एक में रबर ग्रिप नहीं है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस यहाँ पे बन जाता है गाइस, ठीक है। एंड एक और पेन है गाइस जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा ओवरऑल, आप लोग भी सोच रहे होंगे इसका नाम मैंने क्यों नहीं लिया, वो है गाइस ऑक्टेन फ्रॉम क्लासमेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो गाइस ये जो ऑक्टेन है ये सबसे अलग मुझे पेन लगा। रीजन वॉज गाइस कि ये ना काफी ज्यादा इसका जो निब है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड इन द सेंस, मतलब जो मीडियम निब्स आते हैं ना है तो मीडियम ही, बट लिखने में इसका जो इंक बेसिकली इसमें से जो इंक डिलीवर होता है इसकी फीट से जो इंक आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो काफ़ी ज़्यादा वेट पेन है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंक ये कॉपी में डालता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लीक करता है, बेसिकली इसका जो इंक सिस्टम है वो ऐसा ही है। अब या फिर हो सकता है ये मेरे पेन में ऐसा है, बट डेफिनेटली गाइस अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा वेट हो एंड फाउंटेन पेन जैसे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड वेट चले,
देन डेफिनेटली गाइज एक ऑक्टेन आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसके एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है अब ऑन स्मूदी एंड ऑक्टेन, तो उनको भी आप देख सकते हैं गाइज। एंड गाइज एक फाइनल पेन जो ओवरऑल बेसिकली मुझे बिल्ड क्वालिटी के लिए एंड उसके लुक्स के लिए सबसे ज़्यादा पसंद आया था उसका मैं मैंशन कर देता हूँ, वो था गाइज लग्जर का FFP। यहाँ पर आप जो पेन देख रहे हैं दिस इज़ लग्जर FFP। इसकी बेस्ट बात मुझको ये लगी थी कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अच्छा लगता है, इसमें देखने में इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ओवरऑल लुक इसका मुझे बहुत पसंद आया था। तो इस पेन की सबसे अच्छी बात थी इसका लुक, है ना। एंड जनरली इस पेन में जो क्वालिटी है, स्मूथ है, सब कुछ है, वो आपको सेलो फाउंटेन भी दे देता है। यहाँ पे मैं आपको साथ में रख के दिखा देता हूँ, बट पर्सनली मुझे इसका जो ओवरऑल लुक एंड फिनिश है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो आई थॉट कि मेंशन कर देता हूँ आपको। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अब आपको कौन सा पेन लेना चाहिए, आपके दिमाग में एक ना एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया होगा जिस पे आप काम कर सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो की तरह अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ गाइस अगर आप बिहाइंड द सीन स्टोरीज वगैरह देखना चाहते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली गाइस स्टूडेंट यार्ड यहाँ पे हैंडल है, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमको मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई डाउट आ रहा हो, अभी भी कोई दिमाग में शिकन रह गई, तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन अवेलेबल है यार। वीडियो कैसा लगा मुझे उसमें बताइए, कोई फीडबैक अगर आप मुझे देना चाहिए तो नीचे दे सकते हैं। डेफिनेटली मुझे पता है गाइस काफ़ी सारे पेंस हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाए जो अंडर 60 होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ऐसा कौन सा पेन था जो हमने इंक्लूड नहीं करा है। डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम उसको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मेगा कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।